कल जगन्नाथ जी स्नान यात्रा, जगन्नाथ जी कल स्नान किए, जगन्नाथ जी स्नान किए और जगन्नाथ जी स्नान क्यों किए हैं? क्या भगवान अपवित्र हो गए? हम कहते हैं ना, नमो अपवित्रो पवित्रवा सर्वावस्थां गतो विवा जस्मरेत पुंडरीकाख्यं सवाया वेदर्शो। मतलब जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ का नाम लेते हैं और बाहर और भीतर दोनों से वो पवित्र हो जाते हैं, जो एक बार श्री जगन्नाथ जी का नाम को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो उनका नाम लेते हैं वो बाहर भीतर दोनों पवित्र हो जाते हैं। फिर जगन्नाथ जी फिर स्नान फिर क्यों किया फिर है? और इतने स्नान जगन्नाथ जी को कराया जाता है, इतने पानी में जगन्नाथ जी स्नान करते हैं ना। आज से कल से जगन्नाथ जी बुखार में पड़े हुए हैं, ठाकुर जी बुखार में पड़े हुए। आई थिंक यू डोंट अंडरस्टैंड ये, लेकिन थोड़ी बहुत समझते हैं। उसको ले लो जो पान में, इसलिए जगन्नाथ जी बुखार में पड़े हुए हैं। जगन्नाथ जी अभी 15 दिन तक जगन्नाथ जी बुखार में पड़े रहेंगे। और जैसे बुखार हमें होने पर पतली पतली खिचड़ी खाते हैं और दवा लेते हैं, जगन्नाथ जी 15 दिन तक जगन्नाथ जी दवा ग्रहण करेंगे। बोले जगन्नाथ जी ऐसे लीला क्यों कर रहे हैं वहां पर? इसका कारण क्या? बोले कारण है जो जगन्नाथ जो पुरी है, जहाँ पर जगन्नाथ जी रहते हैं वो स्थान तो मानी जाती है द्वारकापुरी। कृष्ण रहते हैं तो द्वारका में रहते हैं, 16,108 पटरानियों के साथ में, रुक्मिणी सत्यभामा कालिंदी मित्रबिंदा रहते हैं इनको साथ में और सोते हैं उनको साथ में, लेकिन रोते हैं श्री ब्रजवासियों पर। और इतने रोते हैं जगन्नाथ जी कृष्ण विरह में, और अपना आंखों का आंसुओं से तकिया कभी कभी गीली कर देते हैं, तकिया कभी कभी गीली कर देते हैं। रात में स्वप्न में कहते हैं, हे राधे हे ललिते हे विशाखे तुम कहाँ हो? उनको कपड़ा पकड़ करके जगन्नाथ जी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, याद करते हैं ब्रजवासी के लिए कृष्ण याद करते हैं। इसलिए जो द्वारका के महिषियां चिंता करती हैं, हम एक से एक सुंदरी हैं और एक से एक राजा राजघराने के हम बेटियां हैं और सारी कला में हम निपुण हैं, लेकिन हम सबके सब जगन्नाथ जी कृष्ण की सेवा करते हुए उनको संतुष्ट नहीं कर पाते। ये ब्रजवासियों ने ऐसे क्या, ब्रजवासियों ने सेवा की गोपियों ने राधा रानी ने, और कृष्ण यहाँ सोते सोते स्वप्न देखते हैं और उनके लिए रोते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं साल में एक बार मैं जाऊं वृंदावन में। अब वृंदावन में जा करके ब्रजवासियों से ब्रज गोपियों से एक बार मैं मिल करके आऊं। जगन्नाथ जी की ये बड़ी इच्छा है, कृष्ण की ये बड़ी इच्छा है, लेकिन जगन्नाथ जी ये बात को लक्ष्मी को बोलने के लिए बहुत डरते हैं। बोले क्यों डरते हैं? कारण है क्या? बोले कारण है एक व्यक्ति का अगर दो पत्नी हो, अगर एक पत्नी को आप बोल दो हम दूसरे पत्नी को पास में जा रहा हूं, फिर पत्नी क्या करेगी? बोले वहीं जाना, यहाँ आने की तेरे को जरूरत नहीं। और मुंह टेढ़ी करके बात करेगी, रोटी फेंक करके देगी, इसलिए और खाना बिना बंद कर देंगे, तुम खाना बनाओ तुम खाना खाओ, हम खाना नहीं दे सकते हैं। इसलिए कृष्णा बहुत डरते हैं लक्ष्मी को बोलने के लिए, मेरे को थोड़ी सी आदेश दे दे, मैं थोड़ा जाकर के वृंदावन में जाकर के मिल करके आऊं। इसलिए जगन्नाथ जी क्या करते हैं, आज से बुखार की बहाना बना लिए, बुखार नहीं वो बुखार की बहाना बनाई, अरे ये प्रेम की बुखार है। और क्या करेंगे? बोले 15 दिन तक लक्ष्मी को पास में अकेला रहेंगे, अल्लाह करके लक्ष्मी को मनाएंगे, मेरे को थोड़ी आदेश दे, मैं जाऊंगा कहाँ, वृंदावन जाऊंगा,
एक दो दिन में केवल घूम घाम करके आ जाऊंगा। इसलिए जगन्नाथ जी 15 दिन तक जगन्नाथ जी केवल लक्ष्मी को मनाते रह जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे, केवल उनको मनाते रहेंगे। जब 15 दिन ही हो जाएगा फिर बुखार की बहाना भी बना ली, हमें बुखार है। 15 दिन के बाद में बुखार से जब उठते ही कृष्ण कहते लक्ष्मी तुमने देख लिया ना, 15 दिन तक तेरे पास में रहा, कहीं गया नहीं, और ये बुखार में मैं पड़ा रहा, मेरे को 1-2 दिन आदेश दे दे, थोड़ी सी 1-2 दिन में घूम घाम करके वृंदावन से आ जाओ। बोले कब आओगे? बोले आज जाऊंगा, कल मिलकर परसों आ जाऊंगा, ज्यादा देर नहीं करूंगा। फिर जगन्नाथ जी अकेले नहीं, लक्ष्मी को साथ में नहीं ले जाते। बोले क्यों? बोले लक्ष्मी ये द्वारका की और ब्रज की भाव को नहीं समझे थी, इसलिए श्री बलदेव प्रभु को ले जाते हैं और ये सुभद्रा को ले जाते हैं, अपना बहनी को लेकर के जगन्नाथ जी और श्री कृष्ण बलराम ये दोनों और सुभद्रा तीनों जाते हैं कहाँ? कहते जाते हैं वृंदावन में, और वृंदावन में ब्रजवासियों को साथ में मिलने के लिए जाते हैं। इसलिए आज हम लोग श्री जगन्नाथ जी कुछ कथा सुनेंगे, और हमारे यहाँ पर श्री दामोदर प्रभु जी है, वो थोड़ी सी जगन्नाथ जी कथा सुनाएंगे, और मैं भी थोड़ा जगन्नाथ जी कथा सुनाऊंगा, और विजय भी थोड़ा सुना देगा। सब मिल करके आज हम जगन्नाथ जी की कथा सुनेंगे। देखो जो जगन्नाथ जी है ना, हमारे संप्रदाय में जगन्नाथ जी की विशेष महत्व है। श्री चैतन्य महाप्रभु है, श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर रहे? उन्होंने तो 26 साल तक गृहस्थ लीला की, और 26 साल में संन्यास लिए, लेकिन फिर 26 साल कहाँ बिताए? 6 साल तक इधर उधर भ्रमण किया, और 18 साल तक कहाँ रहे? श्री जगन्नाथ जी की मंदिर के पास में, और रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, रोज जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे, मंगला दर्शन, शाम को दर्शन करते थे, और रोज जगन्नाथ जी के प्रसाद पाते थे जगन्नाथ जी के। इसलिए महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के रोज दर्शन करना, और जो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है, कहते पृथ्वी में सबसे बड़ा फेस्टिवल है। जगन्नाथ रथ यात्रा में कौन कौन गए हो? जगन्नाथ जी रथ यात्रा में कौन कौन गए? एक व्यक्ति है, और कौन गए? दो, और तीन, और कौन गए रथ यात्रा में? और कौन कौन गए पुरी में? इसलिए आप देखना ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जितने भीड़, जितने लोग आते हैं, और जितने धूमधाम से रथ यात्रा मनाया जाता है, पृथ्वी में कहीं भी किसी फेस्टिवल में इतने लोग कभी आप नहीं देखोगे, और इतना बड़ा रथ कहीं नहीं देखोगे। इसलिए वो जगन्नाथ जी को ना उड़ीसा में कहते हैं बड़ा ठाकुर, पृथ्वी में इतने बड़े ठाकुर कहीं नहीं है, और उनका जो रथ है, उनका रथ को क्या बोले? बड़ा रथ है, और वो जो रोड है उसका नाम बड़ा दांड है, मतलब सबसे बड़ा रोड, इतने बड़े चौड़ा रोड कहीं नहीं देखोगे, इतने बड़े मंदिर कहीं नहीं देखोगे, इतने बड़े ठाकुर कहीं नहीं देखोगे, और इतना जो खाना खाते हैं ना जगन्नाथ जी, दिन में छापा न बार, कभी उनका हाथ ही नहीं सूखता है, इसलिए इतना बड़ा मार्केट कहीं नहीं देखोगे प्रसाद का, इसलिए सब उनको बड़ा ही बड़ा है, सब चीज उनको बड़ा बड़ा, बड़ा ठाकुर, बड़ा देवल मंदिर, बड़ा इतना बड़ा मंदिर भी कहीं पृथ्वी में नहीं देख, इतने ऊंचाई मंदिर जगन्नाथ जी। इसलिए पृथ्वी का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, हाँ? और रथ यात्रा में केवल एक ही फेस्टिवल है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे परिकर अगर कहीं एकत्रित हुए हैं, अगर किसी फेस्टिवल को मनाए तो कौन सा फेस्टिवल को मनाए? केवल रथ यात्रा, और किसी यात्रा में महाप्रभु को आप कभी नहीं देखोगे, कहीं नहीं किए। सारे नित्यानंद, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास पंडित, जितने महाप्रभु का भक्त लोग हुए हैं, केवल एक जगन्नाथ की रथ यात्रा हुई है जिसमें ये सब के सब सारे भक्त आकर के मिलित होते थे, और महाप्रभु रथ यात्रा के सामने अपना भक्तों को लेकर के एक साथ में नृत्य कीर्तन करते थे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। अब जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और जगन्नाथ जी रथ यात्रा है ना, मैं जगन्नाथ जी का देश का हूँ, जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है वहां से थोड़ी दूर हमारा घर है, अजय राय रामानंद प्रभु है ना, नाम सुने राय रामानंद प्रभु, उनको गांव के पास में हमारा गांव है। देखो जगन्नाथ जी जब रथ के ऊपर बैठते है ना, हमारे देश में एक प्रथा है, जितने माताएं अगर कोई स्त्री गर्भवती है, किसी माँ के पेट में बच्चा है, वो कहा करते थे तू जगन्नाथ को दर्शन करने मत जाया कर, रथ यात्रा को दर्शन करने के लिए मत जा। बोले क्यों? बोले जगन्नाथ जी जब रथ के ऊपर बैठते हैं उनकी इतनी कृपा दृष्टि, इतनी कृपा दृष्टि, जगन्नाथ जी आप कैसे हैं इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े जगन्नाथ जी का हाथ है, हैं? इसलिए एकदम खुला हुआ इस आग फाड़ फाड़ कर जैसे देखते हैं ना, ऐसे जगन्नाथ जी आग खोल कर तो फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। इसलिए हमारे देश में कहते थे दर्शन के लिए मत जा भी। बोले क्यों? बोले रथ में जब जगन्नाथ जी बैठते हैं, गर्भ में जो बच्चा है ऊपर का लोगों को ऊपर में तो जगन्नाथ जी की प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन गर्भ में जो बच्चा है उसको ऊपर में भी जगन्नाथ जी का प्रभाव पड़ता है। वो पेट जो बच्चा आकर तो उसका आंख बड़ी बड़ी हो जाएगी, जगन्नाथ जी आगे जैसे बड़ी बड़ी है ना, कहते पेट में तुम्हारा जो बच्चा है उसका आंख भी बड़ी बड़ी हो जाएगी। इसलिए बोलते तुम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मत जाया करो, क्योंकि जगन्नाथ जी जब रथ में बैठते हैं, रथ में बैठते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहते ये जा रहे हैं ये द्वारका से, ये जा रहे हैं वृंदावन, ये गोपियों से नंद बाबा से महा जसोदा से राधा रानी से मिलने के लिए जा रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न इतने खुश होते हैं। पद्म पुराण में बताया रथे वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर एक बार रथ को परमेश्वर जगन्नाथ जी को जो दर्शन करता है उसको दोबारा जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता है। इतने महिमा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की, केवल उनका रसी को कोई पकड़ ले, रसी है ना, वो रसी को खींच करके कोई ले ले, केवल रसी को पकड़ ले, कभी संसार में दोबारा जन्म उसको नहीं लेना। इतने महिमा जगन्नाथ की रथ यात्रा में, और जो रसी को खींच कर ले जाता है ना, हमारा देश में जो रथ यात्रा हो जाता है उसका रस्सी को तोड़ तोड़ कर भी ले जाते हैं, एक एक धागा ले जाते हैं। बोले क्यों? बोले रस्सी की इतनी महिमा है, जिनका हाथ में घुटन में कहीं दर्द है शरीर में उसको बाद में तो शायद दर्द सही हो जाता है, और जिस घर में वो रस्सी को रख लो, घर के जितने भूत पिशाच उल्टा सुल्टा जो चीज सब घर से अपने आप निकल जाते, इतने महिमा वो जगन्नाथ जी की जिस रस्सी को पकड़ करके जगन्नाथ जी को खींचते हुए ले जाते हैं जगन्नाथ, इतने महिमा वो रस्सी की, इतने महिमा है। इसलिए जगन्नाथ जी की तो अपरंपर महिमा है। अभी हमारे श्री दामोदर प्रभु जी आपको जगन्नाथ जी कुछ कथा सुनाएंगे, और श्री इन्होंने बहुत वैष्णवों का संग किया प्रभु जी, श्री गौर गोविंद महाराज महाराज जी की हमारे बड़े गुरु जी की सबसे हरी कथा सुनी, जगन्नाथ जी की बहुत कथा सुनी उन्होंने, तो जगन्नाथ जी उन्होंने कुछ कथा सुनाएगी, फिर उन्होंने बाद में कथा सुना दूंगा। ठीक है, बोले श्री जय जगन्नाथ की, बोले श्री बलदेव प्रभु की, बोले श्री सुभद्रा देवी की, बोले श्री सुदर्शन चक्र की, पिताई गौर ब्रह्मानंदे गौरचंद्राय राधिकाय भाई कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पंचगौपतिरूपेण कृपासन्निधये पतितानां पावने वैष्णवे नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रपंच नंदसुधारास्व श्री गौर भक्तिकुंड हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। First of all, I would like to offer my unlimited dandavat pranam to my param aradhita mahadiksha gurudev Nichalila Pravishna Om Vishnupad Ashtotra Satasisimad Bhakti Gnadhanayam Goswami Maharaj. I also would like to offer my unlimited dandavat pranam and to my param aradhita mahadiksha gurudev Nichalila Pravishna Om Vishnupad Ashtotra Satasisimad Gaur Govinda Swami Maharaj. I also would like to offer my unlimited dandavat pranam and to my Rupa Nubra Guru Parampara and
Rupa Guru Guruvarga and Guru Parampara. And I would also like to offer my unlimited dandu prat on to Sripad Bhaktivedanta Sridhar Maharaj and my unlimited dandu prat and to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis and also my pranam to all the respective guests. So Maharaji has requested me to speak a few words on the glories of Jagannath. Actually, the subject of Jagannath, Lord Jagannath, it's very extensive. If you want to have very deep understanding of actually the meaning of Ratha Yatra, there's a very beautiful book of my Gurudev, that is Embankment of Separation, where you will find many esoteric meanings of the Ratha Yatra festival. Very deep and very rasik katha. But what I will want, I'll tell you a little more simple katha, which I read from a very interesting book, which is written by one of the priests of the Jagannath Puri temple. It's a very beautiful story. You know, in Jagannath Puri, many preparations are made every day for the pleasure of Lord Jagannath. Very authentic recipes, and you have, has anyone see how it's cooked, how the cooking is done on pots, big, you know, and wood, very in the old, in the, it's going on like that since hundreds and hundreds of years, going on like this way of cooking, how they cook for Jagannath, Lord Jagannath. And does anyone know how many preparations are made? No one knows? 56. Yes, correct. So this is, and there was one very, very, very wealthy person, and he came in a very challenging mood, and he came in a challenging mood to the Dham, to Lord Jagannath, and he said like this, you know, I want you. You said your Lord is all powerful and he's almighty, Lord Jagannath, and he sees everything with his big eyes. So I want you to tell me, because he was very rich and he was a little bit boasting, I want you to tell me that if there is one recipe, what can be offered to the Lord which I cannot afford. Does everybody understand this? I want to, one offering should be done to the Lord which I cannot pay for. I know you are doing it very elaborately, so 65 offerings a day, but I want to do one offering which I cannot even pay for. So everyone was looking, and this was a challenge was made to Lord Jagannath, because you're saying, you're claiming your Lord Jagannath is all powerful, he's almighty, he sees everything. So this is my challenge to the Lord. So all the priests, they all started to discuss, is there anything which is so valuable which can be offered to the Lord? So everybody started thinking, but nobody could come to such a huge amount, because everything, you know, is affordable. You have chawal, rice, so many recipes which are made. These are general things which are everyone is taking, which is everyone is honoring. So the priests, they were very disturbed. But that night, Lord Jagannath came in the dream of one of his devotees and said, listen, this man has come and he has, you know, challenged. He has challenged everyone. So you should tell him this, there is one recipe. I want this recipe with this one offering. This is paan. I want a certain paan. But in that paan, there should be an elephant pearl. This elephant pearl is very rare. It's a pearl which develops within the skull of an elephant. That elephant pearl has to be ground and mixed together with that paan, and that should be offered to me. This is the offering I want from him. The priest woke up, the devotee woke up in the morning and said, This is the Lord. The Lord has answered this challenge. He wants that this offering is made. So it was put forward to that very wealthy man. And the man could not say anything. How could he do it? How could he offer this? How many millions of elephants would have to die in order to get this very rare pearl? It is unimaginable. He could not even afford this.
So like this, the Lord himself defeated this person. Just this little elephant pearl and mix, grind it together and mix it with some pan. This is all what the Lord wanted. So these are one of the very beautiful and wonderful pastimes which Lord Jagannath manifests to show the glories, his own glories. Go, Jai Jagannath. Jai Jagannath, Mahaprabhu ki. Om Jnanatmiram Dasya Jnananjana Shalakya Chaksurum Militam Yena Tasmai Shri Guruve Guruve Gora Chandraya Radhikaya Tadam Krishnaya Krishna Bhutaya Tathagata Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Sari Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Arjuna se bola bola Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. First of all, I'm paying my unlimited dandavats pranam to the divine lotus feet of Vichalila Krishna Asutra Sattva Sistema Bhakti Vidanta Narendishwami Maharaj. And to my dear beloved Gurudev, what he gave to me, O Vishnupada Sutra Sutra Sisma, Bhaktivedanta Vandaraj, and my beloved Siksha Gurudev, O Vishnupada Sutra Sutra Sisma, Bhaktivedanta Siddha Maharaj, was present here to give us all some injection, spiritual injection, what all we all need in this part of Bhakti. So, Maharaj doesn't come often in Holland, as other Maharajas we are used to. He comes only twice a year, because he is very wanted in India. India is very famous, and if you go to his Bhagavad Saptas, then thousands of people are coming to hear his Bhagavad Sapta, and everyone is eager to be in association of such a nice, exalted classical Vaishnava, who has heard so many Harikatha, who has got so many realization from his Gurudev. And now his mission is to come to every eager devotee and speak this same Harikatha. So some utsaha, some faith will come in our heart, so we can do our sadhana in a very, very fixed way. So I'm very happy again to receive Maharaj. I'm always excited to meet him. Actually, we don't have so much association, but I'm always listening to his Harikatha. If I go to the gym everywhere, I'm putting his Harikatha, and he's giving so much nectar he's giving. If you listen to his Harikatha again and again, you will see so much tattva, siddhanta is there. It's amazing. Maybe now you are listening and thinking, okay, it was a simple Harikatha. Sometimes people come and hear our Maharaj's Katha. He said, hey, always speak about Jiva Atman or Nam Tattva. That's all we hear. But actually, if you listen very carefully, you'll see that so many revealing of the Tattva Siddhanta is there in this Harikatha. So I'm very enthusiastic again to be in association of him. And because of him, I'm actually also here speaking to you all. I always want to remember this point, very important point, that it was because of Maharaj's mercy that he forced me actually to give the seminars and to spread the words of Sri Krishna in Kurukshetra. It was his desire and direct instruction, what I followed. And because of him, I'm meeting so much new people who are enthusiastic to do some sadhana in his Padma Bhakti, but it's actually due to his desire. So I'm very touched actually. Every time I'm seeing him, I'm going to the airport and receiving him, I remember his words and instructions. And that's why I'm always hoping that I will be always under his anugat, under his guidance as much as I can. So Maharaj asked me to speak also something about Jagannath.
Subhadra and Baladeva. But actually there's a topic what is very elaborately spoken. It is very difficult to speak like 5 minutes about Jagannath because there is so much to say. The story is also very long but very inspiring. There are different angles actually also in this Hari Katha. Jagannath manifested his form in different way, in different stories, in different yugas actually also. And our acharyas, our beloved Gurudevs, has mentioned everything in details. I know when I was in Bhubaneswar and I was staying in the ashram of Srila Gaurabinda Maharaj, my Siksha Gurudev, always when he spoke about Jagannath, so much enthusiastic coming out his body language. He was totally in the mood of Mahaprabhu's mood. Because Jagannath is very exceptional. He is Jagannath, Jagannath. He is the Nath, he is the Ishwar of the Jagat for the whole world, the whole universe. Everything what he has created, he is the Nath. But simultaneously, although he is the Supreme Lord, he's got the mood of to relish the Harikatha of his devotees. That is his mood. It is the very specialty of Jagannath. We see Jagannath, if you go to Jagannath Puri, we see like he is more in Dwarkadesh. Like Maharaj just told me that he wants to go and he has got some desires. He's in Dwarkadesh, but although he's in Dwarkadesh, his mood, his eternal mood is totally into the Vrajendranandra Sri Krishna. That is why Lord Chaitanya Mahaprabhu is always anxious to see Jagannath's darshan. If you read his biography, if you read Chaitanya Charita, Krishna Kaviraj Goswami, is mentioning many times how Chaitanya Mahaprabhu was always desiring to see the Lord's darshan, how he was always anxious to go and see Jagannath. But the question rises, is what our Acharya is telling, what is actually Mahaprabhu seeing when he is seeing Jagannath? What is his mood? What is Mahaprabhu's mood when he is seeing Jagannath? It's very important because we are in the line of Mahaprabhu. We are Rupa Nuga Guru Vargas. We are on the line of Mahaprabhu. So it is very important for us to know because there are different ways we can see Jagannath. But when we are under the guidance of the Acharyas, we will have some understanding. What is Mahaprabhu actually feeling when he is seeing Jagannath? The conclusion is same also. Radio Bhagwan Vrijesa Tanyas Tadham Vrindavanam. It's very clearly to say what is Mahaprabhu's mood. When he's seeing Jagannath, he's not seeing Jagannath. He's not seeing the Jagannath when he's there. He's seeing this Vrajendra Nandra Sri Krishna. Why? Because that is the ultimate goal of every jivatma. To come in this Golok Vrindavan. Tadham Vrindavanam. Where Krishna is not, he is not so much happy if somebody is telling him or saying his name Krishna. He's more happy when somebody is telling him Vrajeshwa Ishwar Tanyas. Like Vraja Ishwar is, who's Vraja Ishwar? The king of Vraja is Nanda Maharaj. And Tanyas means his son. So he always wants to be related to his devotee. He never wants to be dependent. He's telling, I'm independent, I'm giving everyone independent, but I'm dependent totally on my devotees. So that is the mood what Krishna is always relishing. How is their devotees are experiencing his darshan, the way he is giving them so much affection. He's playing his flute.
and intoxicating all his devotees in Braja. And by hearing this katha from Rohini Mata, Krishna in Dwarka is so anxious to hear his katha that he turns himself in ecstasy. And he refills his throne as Jagannath. Like when we feel something very nice, when we hear something very nice, when something very nice happened to us, we also get some ecstasy feeling. We look with big eyes, big smile. But the symptoms of Bhagavan is more intensified. So he takes a form as Jagannath, and with this form, he's actually giving everyone the real truth, the real Siddhanta, how Vrindavan Dham, with all his Vrajavasis, are so superior that even Bhagavan, if he hears the lilas of the Vrajavasis, he's totally in ecstasy. So there are many, many deep stories, deep lilas, what our acharyas is emphasizing. And actually, I'm not qualified to speak about these topics. That's why I'm very happy that Maharaj is here, and he will speak more deeply about the feeling of Mahaprabhu and Jagannath, his mood of giving us his darshan in this jagat, in this universe. Tulsi Jai Jagannath Mahaprabhu ki jai. Tulsi Jagannath Dev ki jai. Itai Gaur Brahmanande Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Ab logon ne shravan kiya Sri Vijay Prabhu ji se aur hamare Sri Damodar Prabhu ji se Jagannath ji ki kya mahatv hai, Jagannath ji kaun hai, ऐसे क्यों बने, इसके अंदर में बड़ी रहस्य है, बड़ी रहस्य बात जगन्नाथ जी कथा, बड़ी सुंदर कथा है जगन्नाथ जी। हम अभी तो हम जाएंगे, कल हम जाएंगे कहाँ, स्टुटगार्ट जाएंगे, जब वापस आएंगे फिर और सारी बहुत कथा सुनेंगे, अभी थोड़ी कथा सुनते हैं। हाँ हरे कृष्णा। अभी जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा, इसकी बहुत बहुत, बहुत अच्छी अच्छी कथा है। उसकी एक कथा है, कृष्णा जब ब्रज छोड़ करके गए, ब्रजवासी लोग कृष्ण को जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन ब्रजवासियों ने पूछा, राधा रानी ने पूछा, तुम कब आओगे? बोले मैं आज जा रहा हूँ, कल कंस को मार करके परसों वापस चला हूँ। इसलिए ब्रज में एक स्थान है, वो स्थान का नाम सी परसु, मतलब जहाँ कृष्ण गोपियों से राधा जी से बोल कर गए मैं परसों वापस आऊंगा, लेकिन परसु बोल करके परसु बीत गया, लेकिन कृष्ण नहीं आए। जब कृष्ण नहीं आए, कृष्ण विरह में ब्रजवासी, जब उद्धव जी ब्रज में आए और ब्रज का विरह अवस्था को उन्होंने देखा, जब से कृष्ण ब्रज छोड़ कर गए, कोयल और कुहुक्ति नहीं, मयूर और केका नहीं बोलते हैं, सखा लोग गैया चराने नहीं जाते, और वहां के जितने गैया और घास नहीं खाते, बछड़े दूध नहीं पीते, गोपियां जहां कृष्ण छोड़ कर गए थे वहीं पर ब्रज गोपी वहीं पर बेहोश होकर पड़ी हुई, और श्री मैया जसोदा की आंखों से इतने आंसुओं की झरी बह रही है, पूरा कपड़े उनकी एकदम आंसू से लथपथ हुए हुए, और कोई घर में रसोई नहीं बना रहे हैं, घर में सब मकोड़े सब जाल बना दिए, कृष्णा विरह में संपूर्ण ब्रज डूबा हुआ। लेकिन एक समय सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा। हमारे भारत में नियम है, सूर्य ग्रहण में सबके सब कुरुक्षेत्र जाते हैं, वहां पर स्नान करके और सारे साधु संत ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं, सारी दुनिया के लोग आए सूर्य ग्रहण में, उसमें ब्रजवासी लोग भी आए और उसमें कृष्ण भी द्वारका से आए। अभी ब्रजवासियों को पता चला कृष्ण भी ये सूर्य ग्रहण में कृष्ण भी आए हुए हैं, हैं? इतने में सूर्य ग्रहण के बाद में सारे ब्रजवासी सबके सब वहां पर ब्रह्म कुंड है जहां पर स्नान की
सारे द्वारकावासी भी स्नान किए, उसको बाद में सबके सबके साथ में मिलने के लिए गए, कृष्ण भी मिलने के लिए। जब कृष्ण को पता चला मेरे पिता माता, मेरे सखिया, मेरे सखाएं और श्री किशोरी राधा रानी आए, इसलिए सबके कृष्ण भी मिलने के लिए गए। पहले तो उन्होंने पिता माता के पास नहीं गए, पहले पिता माता के चरण छुए। कृष्ण जब मैया, कृष्ण का उम्र कितना हो गया था, 100 साल के कृष्ण हो गए। मैया जसोदा की कितनी उम्र हो जाएगी, 150 साल हो जाएगी। मैया जसोदा एकदम बूढ़ी बन गई, लेकिन उसी समय जब कृष्ण को उन्होंने गोद में बैठाए, बूढ़ी अवस्था में भी मैया जसोदा की स्तन से दूध झरने लगते हैं, उनका स्तन से दूध झरने लग गई और उन्होंने कृष्ण को गोद में भर करके रोने लग गई। नंद बाबा का गोद में दाऊ भैया बैठ गए और बैठ करके उन्होंने तरह तरह से नंद बाबा को सांत्वना देने लग गए, हम क्यों नहीं आ पाए, किसीलिए नहीं आ पाए। फिर किसी तरह से पिता माता को सांत्वना दिया, फिर सखाओं को सांत्वना दिया, और इधर ब्रज गोपी और राधा रानी सबके सब खड़ी होकर के देख रही हैं कब हमारा भी बारी आएगी, नंबर आएगी। फिर कृष्ण इन लोगों को सांत्वना देकर गोपियों से और श्री राधा रानी से जब मिले, इतने में राधा रानी कह रही है, बोले श्याम सुंदर, हम भी वही राधा है, तुम भी वही कृष्ण हो, लेकिन जब हम वृंदावन में हम दोनों मिलते थे, जहां पर सुंदर जमुना नदी जहां पर कलकल नाद से बह रही है, जहां पर कोयले कूदती हैं, मयूर केका कर रहे हैं, जहां पर बेली चमेली जूही केतकी सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, जहां पर उसकी पूर्णिमा का चंद्रमा का चिरण जहां पर छिटक रही है, जहां पर सुंदर कुंज बना हुआ, जब हम एकांत में, जब हम से वृंदावन में मिले हैं, उसी समय में जो आनंद है, यहाँ पर वो आनंद नहीं। यहाँ पर तुम्हारी तो ब्रज का कोई चिन्ह नहीं तेरे अंदर, अभी तो तुम द्वारकाधीश बनकर बैठे हो, पर मयूर पंखा कहाँ है, हाथ में बंसुरी तुम्हारी कहाँ, बंसुरी भी नहीं, मयूर पंखा भी नहीं, कोई ब्रज का चिन्ह ही नहीं। तुम नंदन नंदन अभी सुन रहे थे ना, कोई नंदन नंदन तुम हो, जसोदा नंदन कोई चिन्ह नहीं, यहाँ पर तो सारे द्वारका का चिन्ह है, राज भेष चक्र धारण किए हुए, शंकर चक्र गदा बंद, ये ब्रज का ये मूड नहीं है, ये तो द्वारक का मूड है। अगर आप हमें आनंद देना चाहते हो, हमारी हृदय रूपी रथ में बैठो, और आपको हृदय में कहते आन रे हृदय मन मोर मन वृंदावन, इसलिए दूसरा का जो हृदय तो मन है, लेकिन हमारा हृदय वृंदावन है। हमारे हृदय रूपी रथ में तुम बैठो और तुमको बैठा करके हम तुमको ले जाएंगे कहां पर, वृंदावन ले जाएंगे। इस रथ यात्रा नहीं, ये राधा रानी अपना हृदय में श्याम सुंदर को बैठा करके, और ये गोपियां श्याम सुंदर खींचते हुए ले जाएंगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा जब में जब सम्मिलित होते थे, जब रथ खींचते हुए ले जाते थे, यही भाव है, हम कृष्ण को कुरुक्षेत्र से हम वृंदावन ले जा रहे हैं कृष्ण से मिलने के लिए। कहते ये श्री रथ यात्रा की एक भाव है, रथ यात्रा की भावना है। अभी ये तो भावना रथ यात्रा की, लेकिन रथ यात्रा नहीं, रथ नहीं, वो अपना अपना हृदय है, और अपना हृदय में श्याम सुंदर का बैठना, लेकिन श्याम सुंदर तो जहां तक बैठ नहीं सकते, गंदगी स्थान में तो श्याम सुंदर बैठ नहीं सकते, श्याम सुंदर तो वही बैठ सकते हैं जहां पवित्र स्थान हो, निर्मल स्थान हो, भगवान जहां तक नहीं बैठेगी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक विशेष लीला की है, अगर हम भी अपना हृदय में ठाकुर जी को बैठना चाहते हो, हमें क्या करनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक सुंदर लीला की, वहां पर दो मंदिर है, जगन्नाथ जी जिस मंदिर में हर समय रहते हैं उनको मानी जाती है द्वारका, और एक मंदिर 3 किलोमीटर में, उसका नाम है गुंडिचा मंदिर, उसको मानी जाती है वृंदावन, और ये मानी जाती है द्वारका। ये द्वारका से राधा रानी अपना हृदय में बैठा कर कहां ले जाती है, उनको ले जाती है वृंदावन ले जाती है, और वहां पर श्री जगन्नाथ जी जाएंगे गुंडिचा मंदिर में। बोले गुंडिचा कौन है, बोले श्री राधा इंद्रदुम्न महाराज का जो रानी, कहती है श्री गुंडिचा देवी।
इसलिए जो जगन्नाथ जी जब प्रकाशित हुए इसलिए उनकी पत्नी का नाम से ही वो मंदिर का नाम गुंडीचा मंदिर रखा हुआ, इसको वृंदावन मानी जाती है। अभी जगन्नाथ जी द्वारका से अभी जाएंगे वृंदावन, लेकिन अभी वृंदावन में जाकर जगन्नाथ जी बैठेंगे, वहां पर नियम था जगन्नाथ आने से एक दिन पहले राजा नौकरों को देख करके वो मंदिर को साफ सुथरा करवाया करते थे, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर थे बोले क्या ये नौकरों को दे करके मंदिर साफ कराएंगे, पैसा दे करके सेवा नहीं होता है, सेवा तो भावना से होता है, भक्ति से होता है, इसलिए हम अपना परिकरों को साथों में हम ये मंदिर को साफ करेंगे। उन्होंने श्री राजा से प्रार्थना किए कि जो गुंडीचा मंदिर जो मार्जन है जो साफ सुथरा हम अपना परिकरों को साथ में करवाना चाहते हैं, महाप्रभु उसको मांग करके लिया ये सेवा हमें प्रदान करो। देखो हमारे संप्रदाय में जो महाप्रभु झाड़ू लगाए ना मंदिर में जाकर तो मंदिर साफ किया, इसकी बड़ी महत्व है। हम लोग कोई बड़ा सेवा हो ना हम आनंद से करेंगे, लेकिन कोई घटिया सेवा छोटा सेवा हो ना हम इतने बड़े होकर पतले उठाएंगे, हम इतने बड़े होकर के झाड़ू लगाएंगे, हम इसको बुरा मानते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ये सेवा को मांग करके लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये स्वयं कृष्ण है, ये स्वयं भगवान अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन वो मांग करके लेते हैं ये सेवा हमें प्रदान करो। विशेष करके हमारे संप्रदाय में झाड़ू लगाने का सेवा की सबसे ज्यादा महत्व है झाड़ू लगाने का सेवा है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपना परिचय देते हैं मैं कौन हूँ, बोले नाम हाटगा में झाड़ूदार हूँ, वो अपना परिचय देते हैं मैं झाड़ूदार हूँ। और श्री श्यामानंद प्रभु उन्होंने राधा रानी का नुपुर को प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त किया है? झाड़ू लगाते लगा जब श्यामानंद प्रभु अपना गुरु जी के पास में आए, उनको गुरु जी ने कहा देख बेटा जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक विवाह नहीं मिलेगा, एक काम करो जाओ ये निकुंज वन में सेवा कुंज में रोज यहाँ पर जाकर के झाड़ू लगाओ। और श्री श्यामानंद प्रभु रोज जा करके निकुंज वन में सेवा कुंज में रोज झाड़ू लगाते थे, और उसी सेवा कुंज में लौट बोट उठाते थे निधु वन में, और रो रो करके श्री राधा रानी का नाम को ले लेते कि रो रो करके झाड़ू लगाया करते थे, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रोज यही झाड़ू लगाते थे। और झाड़ू लगाते लगाते राधा रानी की कृपा हुई, और राधा रानी ने अपना चरण की नुपुर को छोड़ कर गए राधा रानी, और श्री श्यामानंद प्रभु को दुखी कृष्णदास को चरण की नुपुर मिला, और श्री जीव गोस्वामी को बोले गुरुदेव हमें एक स्वर्ण की चरण की नुपुर मिली, बोले ये स्वर्ण की चरण की नुपुर श्री राधा रानी की है, राधा रानी तुम्हें दर्शन देने के लिए बहाना बनाए, देखे ये चरण का नुपुर जिसको तिसको देना नहीं, अगर कोई लेने के लिए आए ना बोलना जिनकी चरण की नुपुर वो स्वयं आए और मैं अपना हाथों से पहनाऊंगा, स्वयं राधा रानी वहां पर आती है और वो अपना हाथों से श्री राधा रानी के चरण में नुपुर पहनाती है। बोले कि किसका फल है? झाड़ू लगाने का फल, ये झाड़ू लगाने का फल है, इसलिए हमारे संप्रदाय में झाड़ू लगाने का बड़ा महत्व है, झाड़ू लगाने का है इसलिए। और श्री हमारे संप्रदाय में श्री प्रबोधानंद सरस्वती देखो वो क्या कहते हैं, बोले जत किं करि सुबहु स खड़ुका कुबाई नित्यम परस पुरुषस्य शिखंड बहुले जस्या कदा रस निधि वृषभानुजाया तत्केलि कुज भवनांगनि मार्जनिस्या। देखो क्या प्रार्थना करते हैं, बोले ये कौन है प्रबोधानंद सरस्वती, कहते ये कृष्ण लीला की तुंग विद्या सखी, ये तुंग विद्या सखी प्रार्थना करती है, बोले हे राधे कब मुझे ऐसे सौभाग्य मिलेगा, बोले क्या सौभाग्य चाहते हो, बोले जिस निकुंज में श्री राधा रानी मान करती रहती है और सखियों को कह देती है आज हम किसी काले चीज को मैं देखना नहीं चाहती हूँ, श्याम सुंदर आए तो अंदर में घुसने मत दिया करना,
और ललिता विशाखा सखियों को कुंजों को बाहर खड़ी कर देती है। और कृष्ण जब आते हैं कुंज में प्रवेश करने के लिए, वो सखियों के चरण में प्रार्थना करते हैं, हमें थोड़ा राधा जी को साथ में मिला दो, प्रार्थना करते हैं। लेकिन सखियां अंदर में घुसने नहीं देते, वो कहते हैं तो मुझे ऐसे सौभाग्य मिलेगा जिस कुंज में श्री राधा रानी मान करती है, जब सखियां झाड़ू लगाती है वो झाड़ू का क्या मैं एक स्टिक बन पाऊंगा, उसका एक सला का मैं बन पाऊंगा। मतलब राधा रानी निकुंज की झाड़ू लगाने की एक सला का की प्रार्थना करते हैं श्री तुंग विद्या सखी प्रबोधानंद सरस्वती। इतने वहां पर झाड़ू लगाने की महिमा है, जहां पर मंदिर होता है ना, अगर आप मंदिर में झाड़ू लगाओगे, झाड़ू लगाओगे तो मंदिर को, लेकिन हृदय में झाड़ू लगी जाती है। झाड़ू लगाओ मंदिर का, लेकिन तुम्हारी हृदय साफ सुथरा हो जाएगी। इसलिए झाड़ू लगाने की बड़ी महिमा हमारी संप्रदाय में। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने झाड़ू लगाने की उन्होंने सेवा को ग्रहण किए, बोले आज हम अपना परिकरों को साथ में मिल करके झाड़ू लगाएंगे। और महाप्रभु जगन्नाथ जी जाने से एक दिन पहले अपना परिकरों को लेकर के कौन कौन वहां पर, कहते स्वयं महाप्रभु, कौन ये कृष्णा, श्री नित्यानंद प्रभु ये कौन, बलदेव प्रभु, अद्वैत आचार्य ये कौन, बोले सदाशिव महाविष्णु, गदाधर पंडित ये राधा रानी, श्रीवास पंडित श्री नारद जी, ये लोग मिल करके वो मंदिर को झाड़ू लगाते थे और उसको साफ करते थे। लेकिन हाथों में तो झाड़ू लगाते हैं, लेकिन मुंह से क्या करते थे, भगवान की कीर्तन करते थे, मुंह से हरि कीर्तन कर रहे थे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते हैं, हाथों में तो सेवा करो और मुंह में क्या करो, भगवान का नाम करो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले जब तक कोई लखपति नहीं बनेगा ना, उसका हाथ का खाना मैं नहीं खाऊंगा। जब महाप्रभु को निमंत्रण दिए, आज हमारा घर में आपका निमंत्रण है, इसलिए महाप्रभु शिक्षा देने के लिए क्या बोले, बोले भैया उसको घर में मैं खाना खाऊंगा, किसको घर में, जो लखपति बनेगा उसको घर में, मतलब रोजाना जो एक एक लाख हरिनाम करेगा उसका हाथ का खाना मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसलिए महाप्रभु शिक्षा दिया। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हरि नामाश्रय करी जतने तुमी थाकह आपन काज। अगर कोई बोलेगा हमारे पास में तो समय नहीं, इतने हरिनाम, एक लाख हरिनाम हम कहाँ कर सकते हैं, हमारे पास में इतना समय नहीं है। लेकिन अगर समय नहीं नाम करने के लिए, जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं बस में जा रहे हैं, हम जाओ लेकिन भगवान का नाम जप करते करते जाओ साथ में, उस समय तो कोई मना नहीं। हाथों में जो कुछ करो भगवान की सेवा करो और मुंह में क्या करो, भगवान की नाम जप करो। ऐसे भी करेंगे तो एक लाख नाम हमारी पूरी हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु हाथों में सेवा कर रहे हैं, हैं? और जब कोई चीज देते हैं ना ऐसे करके हरे कृष्णा, ऐसे नहीं बोल रहे ये चीज को लो, बोले नहीं हरे कृष्णा घड़ा लो और दूसरे घड़ा दो, हाँ हरे कृष्णा। महाप्रभु शिक्षा देते हैं जो कोई सेवा करो भगवान के नाम को साथ में जोड़ते हुए। इसलिए वहां पर प्रभुपाद वहां पर टीका में कहते हैं, इसलिए जीव गोस्वामी कह रहे हैं, भक्ति संदर्भ में कह रहे हैं, जो कलयुग का जो धर्म है ये हरिनाम संकीर्तन है। अगर कोई भी काम कर रहे हैं, अगर भगवान का नाम को साथ में अगर वो चीज को मत जोड़ो, कहते सबके सब बेकार हो जाएगा, वो सबके सब बेकार हो जाएगा। इसलिए जो कुछ करो भगवान का नाम को साथ में जोड़ते हुए सारे काम करो, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम ही एक सार है। इसलिए महाप्रभु हाथों में सेवा और भगवान में भगवान का नाम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मंदिर को साफ कैसे किया, बोले पहले तो झाड़ू लगाए, धूल को हटाया, फिर कंकड़ को हटाया, है फिर महाप्रभु ने पानी लाए, फिर पानी ला करके अच्छे तरह से मंदिर को उन्होंने धोया।
हाँ, अच्छे तरह से धोया। अगर कहीं दाग रह गया ना, श्री महाप्रभु अपना कपड़ा उठाए और अपना कपड़े से घीस घीस करके जो दाग रह गया था वो दाग उन्होंने हटाया। बोले इसका मतलब दिया है। तब इसके ऊपर में श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बताए, ये मंदिर मार्जन का मतलब किया है, महाप्रभु ऐसे लीला क्यों किए, बहुत अच्छी बात बताई। तब बताए ये धूल क्या चीज है, महाप्रभु पहले जो धूल को जो हटाया, कहते जो धूल है श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का डेफिनेशन उन्होंने दिया है। भक्ति कहते हैं किसी को, बोले अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। कहते उत्तमा भक्ति किसको कहते हैं, उन्होंने उत्तमा भक्ति का डेफिनेशन दिया, भक्ति में कोई कामना वासना नहीं रहनी चाहिए है? कोई अन्य अभिलाषिता छोड़नी चाहिए, अभिलाषा क्या रहनी चाहिए, लेकिन साधारण जीव का अभिलाषा क्या, बोले जब तक इसी संसार में रहूंगा तब तक केवल भोग करूंगा, उनका यही भावना है। संसार में क्यों पैसा कमा रहे, बोले भोग करेंगे, शादी क्यों किया, भोग करेंगे, खाना क्यों खा रहे, बोले भोग करेंगे, बोले मकान क्यों बना, बोले भोग करेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं भले भैया पहले ये सारे भोग चीज को खत्म करो, क्योंकि जो जीव है, जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जो जीव है वो भगवान की हम नित्य सेवक है। हमारा धर्म क्या है, बोले भगवान की सेवा करना ही हमारी धर्म, और कोई धर्म नहीं हमारी। इसलिए हमारी भक्ति जगत में जैसे प्रसाद खा रहे ना, हम प्रसाद खा रहे नहीं कह रहे, क्या बोलते हैं, प्रसाद सेवा कर रहे हैं, प्रसाद सेवा कर रहे हैं। इसलिए भक्त लोग पैसा कमाते हैं, क्यों पैसा क्यों कमा रहे हो, भगवान की सेवा के लिए। घर को साफ सुथरा क्यों कर रहे हो, बल्कि भगवान की मंदिर, कि भगवान की मंदिर। जैसे गोपियां हाथों में सब कुछ करती थी, लेकिन हाथों में तो सब कुछ करती थी, मुंह में क्या करती थी, भगवान की कीर्तन करती थी। बोले गोविंद दामो दरबाधी, गोविंद दामो दरबाधी, गोविंद दामो दरबाद बेटी, गोविंद दामो दरबाद बेटी, हे कृष्ण हे जा कल हे सकेती, गोविंद दामो दरबाद बेटी। इधर हाथों में जो कुछ करती है कृष्ण सेवा कर रही है, लेकिन मुंह में क्या कर रही है, भगवान की कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए भक्तों लोग जो जो कुछ करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं हम जो शौच क्रिया में जाते हैं ना, भक्त लोग जो शौच क्रिया में जाते हैं, ब्रुश ब्रुश करते हो हाँ, जो शौच क्रिया में जाते हैं हाँ, इसलिए इनकी शौच क्रिया भी सेवा ही है, क्योंकि अगर स्नान नहीं करेंगे हाँ, इसलिए शौच क्रिया नहीं करेंगे, अपवित्र शरीर से ठाकुर को सेवा कैसे करेंगे। अगर बढ़िया बढ़िया कपड़ा नहीं पहनेंगे, गंदे कपड़े से हम ठाकुर की सेवा कैसे करेंगे। भक्त का सारे चीज सेवा ही है। इसलिए अन्य अभिलाष मतलब होता है भक्त जो कुछ करता है भगवान की सेवा के लिए करता है, जो कुछ खाना बनाए, कपड़ा पहनाए, जो कुछ करे, इसलिए इसको कहते हैं अन्य अभिलाषता शून्य। कर क्या, बोले ज्ञान कर्माज अनावृतम, कहते उसमें जो कंकड़ था वो कंकड़ को हटाए, बोले ये कंकड़ क्या, बोले ज्ञान, ज्ञान मार्ग है, है? ज्ञान मार्ग मतलब मैं वही ब्रह्म हूँ। एक दिन वो ब्रह्म में जाकर के हम मिल जाएंगे, हम भगवान की सेवा नहीं चाहते, हम तो ब्रह्म में जाकर के बस उसी में मिल करके एकाग्र हो जाए। बोले नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए आपको वो जो ब्रह्म ज्ञान उसको त्याग देना पड़ेगा, और जो कर्म है, तो महाप्रभु ने वहां से जितने धूल को उन्होंने हटाए, बोले ये किया, बल्कि ये कर्म को भी हटाओ। कर्म मतलब क्या है, जो अपना शरीर को मैं बड़ा मान कर जो कुछ करते ये कर्म, तो ये सारे चीज को हटाओ। हाँ, हटा कर क्या क्या करे, बोले पानी ला, पानी ला कर अच्छे तरह से मंदिर को धो। बोले ज्ञान कर्म को तो निकाल दिया, लेकिन हृदय में जो विषय भोग की जो वासना है उसको क्या करो, बोले उसको भी धो।
उसको भी धो करके उसको भी हटाओ, उस सारी चीज को हटा करके हृदय में फिर देखा वहां पर कुछ दाग रह गया। हटा तो दिया, धूल को भी हटा दिया, कंकड़ भी हटा दिया, सब झाड़ू लगा दिए, लेकिन वहां पर थोड़ी थोड़ी दाग रह गया। फिर महाप्रभु ने अपना कपड़े को लिया, अपने कपड़े को लेकर घीस घीस करके वो दाग को भी घीस गिर गिर उठाया, बोले वो दाग किया है, बोले कुटिनाती, कुटिनाती मतलब कपटता। कहते भगवान की भक्ति में सारे कपटता को भी त्याग देनी चाहिए, भगवान कपट व्यक्ति को भगवान पसंद नहीं करते, इसलिए हृदय के सारे कपट, कपट मतलब क्या है, हम बाहर एक और भीतर एक है, एक रूप दिखा रहे लेकिन अंदर में और एक है। भगवान कहते नहीं, कपट व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता, इसलिए कपटता को त्याग दो। फिर उसके अंदर में फिर प्रतिष्ठा सा है, कहते प्रतिष्ठा सा आशा को भी त्याग प्रदान करो, बोले प्रतिष्ठा सा आशा किया, बोले जो व्यक्ति निर्जन भजन करना चाहते हैं, कहते हम तो एकांत में निर्जन में भजन करेंगे, सब लोग हमको सोचे ये बहुत बड़े साधु, बोले भैया ये चीज को भी त्याग दो है, ये चीज को भी त्याग दो, कुटी नाटी जीव हिंसा, जीव हिंसा त्याग दो। जीव हिंसा मतलब क्या, जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्रचार नहीं करके जो कपटता भक्ति को प्रचार करते हैं, कहते इसको भी त्याग दो, सब चीज को त्याग दो, त्याग दे करके हृदय को एकदम निर्मल बना दो, हृदय को एकदम शुद्ध बना दो। जब भक्त लोग मंदिर साफ कर रहे थे, जो व्यक्ति अच्छे तरह से मंदिर साफ कर रहे थे ना, महापुरुष तो बड़े खुश हो रहे थे, बाबा तुम बढ़िया साफ किया मंदिर को, बड़े सुंदर साफ कर दिया है। और जो साफ नहीं कर रहे थे ठीक से, हाँ मंदिर को साफ नहीं कर रहे थे, महाप्रभु बोलते थे उसको घर मीठी मीठी गाली देते थे, बोले नहीं अच्छे तरह से साफ करना है। और जो सुंदर साफ करते थे, बोले भैया तुम तो बढ़िया सुंदर साफ किया, दूसरों को भी ये सिखा दो। और जो ठीक ठीक से नहीं करते थे, महाप्रभु बोलते देखो तुमको दंड मिलेगा, बोले क्या दंड मिलेगा, बोले जितने सारे वैष्णव है ना, सब वैष्णव को प्रसाद खिलाना पड़ेगा। इसलिए भक्ति जगत में जो दंड भी है ना, बड़ा सुंदर है, क्या है दंड है, सब भक्तों को सेवा दो सबको, बोले ऐसे क्यों, इसका मतलब क्या। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति अपना हृदय को साफ नहीं कर रहे, हृदय को ठीक ठीक से साफ सुथरा नहीं कर रहे, भजन ठीक से नहीं कर रहे, फिर उनको क्या करनी चाहिए, कहते भक्तों का सेवा कर दो, वैष्णव का सेवा करो। क्योंकि महाप्रभु ने दो उपदेश महाप्रभु ने दिया, एक वैष्णव सेवन और एक नाम संकीर्तन। प्रभु बोले दुई तुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण, कहते ये दो काम अगर कोई करेगा जल्दी से जल्दी उसको भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगा। पहला काम किया, बोले वैष्णव का सेवा करो, बोले वैष्णव सेवा क्यों करेंगे, बोले भगवान का निवास कहाँ पर है, बोले भक्तों का हृदय में भगवान का निवास है, जब भक्तों को हम सेवा करेंगे तब भगवान अपनी आप संतुष्ट हो जाएंगे, अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे वैष्णव सेवा से है। और दूसरा काम क्या करो, भगवान का नाम कीर्तन करो। महाप्रभु बोले ये दो काम करो, जल्दी जल्दी तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने ये सब शिक्षा को दिया। और एक बात बताए, बोले जो व्यक्ति मंदिर को साफ अच्छे तरह से कर रहे हैं, उनको महाप्रभु ने एक उपदेश दिया, बोले क्या उपदेश दिया, बोले तुम बढ़िया साफ कर रहे हो ना, इसलिए दूसरों को भी सिखाओ। बोले इसका मतलब क्या है, कहते इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब है जो भगवान का भजन ठीक ठीक से कर रहे हैं और अपना हृदय को साफ सुथरा कर रहे हैं, अपना हृदय को भक्ति करके अपना हृदय को जो साफ सुथरा करते हैं, बोले तुम भी दूसरों को प्रचार करो। महाप्रभु कहते तुम भी प्रचार करो, प्रचार करके दूसरों को भी भजन की बात सिखा दो दूसरों को,
है। इसलिए महाप्रभु का जो भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आचित नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार है विवरणाम, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है। पृथ्वी में जितने नगर गांव जितने देश है, एक दिन ऐसे आएगा लोग बड़े प्रसन्न होकर के मेरे कीर्तन करेंगे, सबके सब भगवान का नाम लेके कीर्तन करेंगे, ये महाप्रभु का उपदेश है। इसलिए जो व्यक्ति ये हरि कीर्तन प्रचार करते हैं, हाँ, इसलिए ये लोग महाप्रभु का आदेश को पालन करते हैं। इसलिए जैसे हमारे श्री विजय प्रभु जी, दामोदर प्रभु जी, ये सब हरि कीर्तन प्रचार करते हैं, भगवान की कथा को प्रचार करते हैं, नाम प्रचार करते हैं। इसलिए सबको भी करनी चाहिए, ये केवल आदेश एक व्यक्ति को नहीं, ये सबका, ये महाप्रभु ने, ये गुंडीचा मंदिर मार्जन में प्रभुपाद टीका भी लिखते हैं, महाप्रभु सबको कह रहे हैं पहले भजन करो, पहले भजन करो, अपना हरिनाम करो, और जितना तुम्हारी समर्थ है दूसरों को भी ये चीज शिक्षा प्रदान करो, तुम्हारी अड़ोस पड़ोस जो व्यक्ति रहेंगे उनको भी भगवान की भक्ति में उनको भी लाओ, अपना भी कल्याण करो और दूसरों को भी कल्याण करवाओ, हैं। इसलिए हम स्वयं भजन करते हुए दूसरों को भजन में हमें प्रवृत्त करानी चाहिए। इसलिए देखो अभी हम लोग बैठ करके एक माला जप करेंगे, ठीक है, और एक माला सबके सब जप बताएंगे। इसलिए हम सब बैठ करके, आप लोग साथ में माला लाए कि नहीं, सबके साथ माला लाए हो, माला नहीं लाए, देखो हाँ सब माला लाए ना, माला कहा है, हाँ लेकर के आ जाओ, बैठ करके जो माला जप कर, सब सब बैठ जा सब, हाँ इधर इधर देखो देखो, ये जो माला जप करते हैं ना, जब किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं, मेरे तरफ से देखो, पैसा कैसे देते हो, ऐसे देते हैं ना, जब किसी व्यक्ति को हम पैसा देते हैं कैसे देते हैं, ऐसे, लेकिन जब पैसा लेते हैं कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं ना जी। देते हैं ऐसे और लेते हैं ऐसे। इसलिए ये जो माला जब कर रहे हैं, ये माला नहीं, ये माल है, ये असली माल यही है। इसलिए विदा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। इसलिए मीरा कहती है भगवान का नाम नहीं, राम नाम के हीरे मोती, हैं, ये हीरे मोती है, ये नाम नहीं, हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कहते जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल हुए, कहते जिन जिलियों ने ये हरिनाम रूपी माल को लूटे वो सबके सब बड़े बड़े धनी बन गए। बोले कौन कौन बड़े बड़े धनी बन गए, बोले तुलसी मीरा और नरसिंह। उदाहरण देती है गोस्वामी तुलसीदास, मीरा, नरसिंह भगत, हनुमत लाल जी, हाँ देखो जगत में कितने बड़े बड़े धनी हो गए, सारा दुनिया जिनको पूजा करती है, सारा दुनिया जिनको पूजा करती है, और माया के जो बने पुजारी, मतलब केवल ये संसार का पैसा को केवल लूटने में जीवन बिता दिया, बोले आखिर वो कंगाल, लास्ट को कंगाल बनना पड़ा। इसलिए जो असली जो माल है ना, बात ये ऐसे ऐसे नहीं कर रहे हो, ये माल को, हाँ, इसलिए माल को हम इकट्ठे कर रहे हैं, और यही माल ही हमारी काम में आने वाले, इसलिए और भी माल काम में नहीं आएगा। इसलिए एक माला करेंगे बैठे करके, और सब आंख बंद कर लो, और समझो हम वृंदावन में राधा रानी के चरण में, ठाकुर जी के चरण में बैठे हैं, जहाँ पर सुंदर कल्प वृक्ष है, जहाँ पर राधा कृष्ण सखियों को साथ में, सखियों को साथ में, जहाँ पर समझो उनको चरण में बैठे करके हम भगवान की माला जप कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ आग में कर दो और एक माला जप कर दो। बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rama, Rama Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama, Rama Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rama, Rama Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rama, Rama Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama, Rama Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rama, Rama Rama Rama, हरि बोल हरि कृष्ण माला पूरी हो गई होगी ना माला एक माला पूरी बोल चुकी हाँ देखो भक्ति विनोद ठाकुर ने ध्यान देकर सुना श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखे हैं वो ग्रंथ का नाम है हरि नाम चिंतामन ये ग्रंथ का नाम है बोले जो भगवान का नाम क्या है बोले ये चिंतामणि बोले चिंतामणि मतलब क्या आप हरिनाम से जो मांगोगे हरिनाम आपको वही देगा इसलिए इसका नाम चिंतामणि है सब कुछ हरिनाम से मिलेगा इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा अगर ये हरिनाम को अगर आप ठीक ठीक से करेंगे बोले यह है सर्व सिद्ध है वो सब सर्व सिद्धि मिलेगा सब कुछ मिलेगा बोले सर्व सिद्धि मतलब क्या प्रभुपाद कहते हैं मतलब भगवत प्रेम और भगवत धाम की प्राप्ति भगवत प्रेम भगवत धाम प्राप्ति होगी इसे हरि नाम से केवल हरि नाम से होगी लेकिन ये हरि नाम कैसे करनी चाहिए फिर ये हरि नाम देगा देखो इसका विधि बताए भक्तिनाथ ठाकुर ने कम से कम 2-3 घंटा एक जगह पर बैठ करके नाम जप करना पड़ेगा दूसरे समय में करो लेकिन कोशिश करो एक जगह पर बैठ करके नाम करने के लिए है ना भक्ति में ठाकुर कहते हैं तभी ये नाम का कुछ अनुभूति होता है हां तभी अनुभूति होगा नहीं तो अनुभूति कुछ नहीं होगा लेकिन हम लोग क्या करते हैं गुरु जी से हरि नाम लिए हरि नाम लेकर के हम ठीक ठीक से हरि नाम जप नहीं करते हैं क्या होता है कुछ दिन बाद में फिर हम माला पला छोड़ देते हैं माला नहीं करते माला पला जहां लटक रहा है माला वहीं लटक रहा है हरि नाम से कहते कुछ हुआ ही नहीं कुछ मिला ही हम संसार में बिजनेस करते हैं कितने समय देते हो बिजनेस में पढ़ाई के लिए कितना साल तक पढ़ाई किया 20-25 साल तक पढ़ाई लिखाई करो एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर जो कुछ करो कितना साल गया 20-25 साल उसको बाद में कितने कितने घंटा काम करते हैं
आठ आठ घंटा, दस दस घंटा, बारह बारह घंटा करते हैं। फिर उसको बाद में कुछ हीरो मिलता है, कुछ हीरो मिलता है, लेकिन पैसा मिलने का बावजूद क्या घर में शांति है? किसी व्यक्ति को पूछ लो सुखी हो? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, दुखी 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 दुखी, इतना करते हुए भी तुम सुख नहीं। लेकिन जो भगवान को एक बार पाने का बाद कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, अरे हे अर्जुन, अगर एक बार तू मेरे को प्राप्त कर लोगे, फिर संसार में जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिर काल के लिए तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जत गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने पर तुमको आना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं? उसके लिए हमें कुछ करना पड़े, जिसको द्वारा तुमको शांति मिलेगी, उसको जिसमें अशांति दुख दुख है, उसके लिए तो संपूर्ण जीवन दे देते हैं, जिसमें कुछ मिलने वाले नहीं। और जिससे तुम्हें मिलेगा उसके लिए हमारा कोई समय नहीं, उसके लिए कोई समय नहीं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अगर तुम्हें अनुभूति अगर प्राप्त करना चाहते हो, एक जगह पर बैठ करके कुछ घंटा हरिनाम करो, फिर उसमें कुछ तुम्हें अनुभूति तुमको होगा। वो अनुभूति जब तुमको होगा ना, फिर ये माला कभी तुम छोड़ोगे नहीं। लेकिन हम क्या करते, गुरु जी से माला लिए, जहां तहां लटक रहा है माला, माला से कोई मतलब नहीं। और इधर बोलते कुछ तो हुआ ही नहीं, कुछ तो हुआ ही नहीं। इसलिए हमें कुछ, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, दिन में दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा एक जगह पर बैठ करके रो रो करके पुकारो। एक समय से बामन गोस्वामी महाराज के पास में एक व्यक्ति आया, बोले गुरुदेव भगवान कैसे मिलेंगे? बामन गोस्वामी महाराज ने इतना बोल दिया, रोना सीखो। बोले रोना सीखो, हम तो गुरु वैष्णव के पास में रोने, संसार में रो रहे हैं सबके साथ, गुरु वैष्णव के पास में हंसने के लिए आते हैं, और इन्होंने बोल दिया रोना सीखो। उनको समझ में कुछ नहीं आया, बोले क्या कह रहे, रोना सीखो। वो चले गए, उनको समझ में। दूसरे दिन फिर आए, बोले गुरु जी हम तो गुरु वैष्णव के चरण में इसलिए आते हैं, हम संसार में सब रो रहे हैं, दुखी दुखी है, हम सुख पाने के लिए संत के पास में, आप बता दिया रोना सीखो। देखो महाराज ने कहा, बोले देखो जब तक बच्चा नहीं रोता है ना, तब तक मैया दूध नहीं पिलाती, खाना नहीं पिलाती। जब बच्चा रोने लग जाए ना, माँ को पता चलता बच्चे को भूख लग गया, उसको खाना खिला है। जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती है। इसलिए जब तक तुम रोगे नहीं तब तक ठाकुर नहीं मिलेंगे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलदस सुधारया, बदनम गदगद हृदया गिरा, पुलक निचितम पप्पू कदा तब नाम प्राण भविष्यति। प्रभु कब ऐसे दिन आएगा तेरा नाम लेते ही आंसुओं आंसुओं आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाए, हृदय प्रेम में गदगद हो जाए, गला रुद्ध हो जाए हैं। इसलिए जब तक रो रो करके भगवान को पुकारने के नहीं, तब तक भगवान की कृपा नहीं होता। इसलिए वो कहते रोना सीखो, जब रोगे ना हृदय से भगवान को बोल करके, तब भगवान की कृपा हो। इसलिए रोना सीखो, भगवान का नाम बोलो रोना सीखो। इसलिए भागवत में बताया, अगर भगवान के नाम लेकर रोना नहीं आ रही ना, हृदय गदगद नहीं, समझना हमारे कहीं ना कहीं अपराध हो रहा है। इसलिए भगवान के नाम से रोना नहीं आ रहा। अगर हृदय तुम्हारे नाम लेते गदगद हो जाए, आंखों से आंसू बहने लग जाए, समझना हरिनाम करना तुम्हारी सार्थकता होगी, हरिनाम तुम्हारी सार्थकता होगी, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करो कुछ समय निकालो, जीवन में कभी अगर शांति सुख मिलेगा ना, भगवान का नाम से मिलेगा, दुनिया से कहीं नहीं मिलेगा है। इसलिए उनके लिए कुछ समय दो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ऐसे हरिनाम करेगा ना, कभी आपका माला कभी आपसे छूटेगी, जिंदगी में कभी माला नहीं छूटेगी, क्योंकि आपको अनुभूति होगी नहीं हरिनाम में कुछ है कुछ है इसमें। इसलिए बैठ करके हमें कुछ समय हमें हरिनाम के लिए देना चाहिए, ठीक है। निधाय गौर ब्रह्मानंद।
भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज की जय, आशकरंद की जय, भगवती सुभद्रा देवी की जय, भगवती वैष्णवी की जय, जय गौर चलो सब खड़े हो जाओ, सब नाचना सब कैसे हरे कृष्ण श्रद्धा श्रद्धा एक सौ फल उधर से करते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. I'm not going to be able to do that.
I'm gonna
I'm not
देख रही पीछे लगता है आधा देख रही। देखो जो नाचेगा ना जो मोटे हो जाओगे और जो पतले सब मोटे हो जाओगे और एक बार सबके सब एक साथ में ठीक है। देखो मैं किस नाच रहा श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी जय।